आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। वैष्णव जन को पीने कहिए दे, पीड़ पराई जाने। आज के इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कस्तूरबा गांधी को। उनका निधन 22 फरवरी 1944 को हुआ था। कस्तूरबा गांधी को लोग ससम्मान बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा पहली महिला सत्याग्रहियों में शामिल थीं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सभी गैर ईसाई विवाहों को कानूनन अमान्य घोषित करने के सरकार के फैसले के विरोध में 1913 में फिनिक्स से ट्रांसवाल तक मार्च किया। कस्तूरबा को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में कस्तूरबा ने शिक्षित महिलाओं को निरक्षर महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी 1915 में भारत वापस आ गई। जब गांधी जी 1917 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुए, तब कस्तूरबा भी उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल हो गई। समाज को जीतना है, चार गुना लगान देते हैं, अपने बच्चों को भूखा मारते हैं, इसीलिए हमें एक होना है। स्वाधीनता संघर्ष के लिए कस्तूरबा की प्रतिबद्धता केवल गांधी जी के समर्थन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे स्वतंत्रता आंदोलन से गंभीरता के साथ जुड़ी थीं। उन्होंने देश भर में नागरिक कार्यों और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। 1917 में सत्याग्रह के दौरान कस्तूरबा ने बिहार के चंपारण में महिला कल्याण के लिए कार्य किया। 1922 में उन्होंने गुजरात के बोरसाड़ में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। कस्तूरबा को कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। 1939 में उन्होंने राजकोट की महिलाओं के विशेष आग्रह के बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। कस्तूरबा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और एक महीने के लिए एकांत कोठरी में बंदी बनाए रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्होंने अपने स्थान पर कस्तूरबा को मुंबई के शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित करने के लिए कहा। गिरफ्तारी का आभास होने पर कस्तूरबा ने सुशीला नायर को जनता के लिए अपना संदेश लिखवाया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में कल रात गांधी जी ने 2 घंटे तक अपने दिल की सारी बात की। मैं उसमें और क्या जोड़ सकती हूँ, हमारे लिए यही काफी है कि हम उनके आदर्शों पर चलें। भारत की महिलाओं को अपनी क्षमता सिद्ध करनी होगी, उन्हें भी जाति या नस्ल का भेदभाव छोड़कर पूरी तरह इस संघर्ष से जुड़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। बैठक के लिए जाते समय कस्तूरबा को रास्ते में ही रोक लिया गया और मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। जेल की जिस कोठरी में कस्तूरबा को रखा गया वो बहुत गंदी थी, इसीलिए वे बीमार हो गईं। कुछ दिन बाद उन्हें पुणे के आगा खां पैलेस भेज दिया गया, जहां गांधी जी को हिरासत में रखा गया था। ये उनकी आखिरी कैद साबित हुई, क्योंकि इसी दौरान उनका निधन हो गया। भारत की इस महान विभूति को हमारा शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी जतींद्र मोहन सेनगुप्त का भी स्मरण कर रहे हैं। वे देशप्रिय के नाम से भी लोकप्रिय थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1885 को बंगाल प्रेसिडेंसी के चटगांव में हुआ था। वे मूल रूप से अनुशीलन समिति के सदस्य थे। जितेंद्र मोहन ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। उन्होंने ईस्ट बंगाल रेलवे के कर्मचारियों के आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने हड़ताल में शामिल रेल कर्मियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। वे चांदपुर में चाय बागानों के सत्याग्रही मजदूरों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। उन्हें 1921 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन शीघ्र ही रिहा कर दिया गया।
देश बंधु चितरंजन दास के बाद जतींद्र बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1925 में कलकत्ता निगम के महापौर भी रहे और 1926 में बंगाल विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। फरवरी 1930 में जतींद्र बर्मा गए और रंगून में जनसभा को संबोधित किया। भीड़ को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उकसाने और बर्मा को भारत से अलग करने के विरोध के आरोप में जतींद्र को 14 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रंगून में पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जतींद्र पर मुकदमा चला लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। इसके उपरांत वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए कोलकाता लौट आए। अप्रैल 1930 में चटगांव मालखाने पर हमले के बाद वहां के लोगों पर ब्रिटिश पुलिस ने अत्याचार किया। चटगांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जतींद्र ने इस कृत्य की अपने स्तर पर जांच आरंभ की। वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्टूबर 1930 में लंदन गए और वहां अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत लौटते समय मुंबई के निकट 20 जनवरी 1932 के दिन उन्हें जहाज से गिरफ्तार कर लिया गया और येरवडा जेल भेज दिया गया। जेल में उत्पीड़न और एकांतवास के कारण जतींद्र का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उन्हें अलीपुर जेल लाया गया। इसके बाद उन्हें रांची भेज दिया गया। वहां केवल उनकी पत्नी को ही उनसे मिलने की अनुमति दी गई। 23 जुलाई 1933 को रांची जेल में जतींद्र मोहन ने अंतिम सांस ली। शहीद जतींद्र मोहन को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।